नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज सिंह, आप मेरी बुक के लिए पूछ रहे हैं। मेरी बुक का नाम नवीन तथ्य परक हिंदी साहित्य संकलन है। मैं आप मुझे WhatsApp पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं वहाँ आपको सारी डिटेल भेज दूँगी, ठीक है। इसके अलावा प्रांजल जी, श्रीम जी, उपदीप जी, सीमा जी, पूनम जी, विराट जी, सुनीता जी, उपरी कलाम जी, रिद्धिका जी, प्रतीक जी, दीपिका जी, सीमा जी तो बहुत सारे कमेंट करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए, आपके साथ के लिए, है ना। चलिए, क्योंकि गद्य साहित्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। पढ़ने में शायद आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगी तो उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। जब कभी भी परीक्षाएं होंगी तो आप उसी से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरे की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित ओंकार भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्री लाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। कलकत्ते में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी जिसमें पदार्थ विद्यासागर संवत 1909 आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थी। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों की छापे खाने से निकाली थी, जैसे आजमगढ़ रीडर जो इलाहाबाद मिशन प्रेस में से संवत 1897 में प्रकाशित हुई, ठीक है। बल्बे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आरफेन प्रेस खुला, जिससे शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें सेरिंग साहब के संपादन में निकली, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर, विद्वान संग्रह। ये पुस्तकें संवत 1912 से 1919 के बीच की हैं। तब से मिशन सोसाइटी के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी की पुस्तकें और पंपलेट आदि छपते आ रहे हैं, जिसमें कुछ खंडन मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। आसी और जान के भजन देसी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं। सारांश ये है कि हिंदी गद्य का प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा है, समझ रहे हैं आप। हिंदी का जो गद्य प्रसार हुआ उसमें ईसाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदू जनसंख्या पर ही पड़ रहा था। मतलब ये समझिए कि यहाँ पे ईसाइयों ने जो हिंदी गद्य का प्रचार किया था वो उन्होंने अपने ही स्वार्थ में किया था। वो अपनी बातों को हिंदी की सामान्य जनता तक पहुँचाना चाह रहे थे, वो अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे, उसको बढ़ाना चाह रहे थे। और क्योंकि अब आज भी जो भारत की साधारण जनता है वो हिंदी को ही प्रेफर करेगी, अपनी मातृभाषा को ही प्रेफर करेगी, तो उस समय तो इंग्लिश का अंग्रेजी का चलन भी नहीं था। तो यदि हिंदुस्तानी लोग भारतीय लोगों को कुछ सिखाना था, कुछ समझाना था, कुछ उनके बीच में फैलाना था, तो उनकी मजबूरी थी हिंदी को बढ़ावा देना, और उन्होंने किया अपने ही स्वार्थ में। लेकिन फिर भी वो हमारे गद्य को बढ़ाने में, हिंदी गद्य को पढ़ाने में बहुत कुछ उसने योग दिया, इसलिए हमें उनका जो हिंदी प्रेमी है वो उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म की रक्षा की अकुलता दिखाई पड़ने लगी। जब जो हिंदी के शिक्षित वर्ग था उसने देखा कि हिंदुओं की जनसंख्या पर जो भोली भाली थी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, उसमें ईसाई मिशनरियों ने अपने जो बाइबल हैं अपनी बातों को उनकी भाषा में प्रचारित करने लगे तो हिंदू जनता उनसे प्रभावित होने लगी। तो जो शिक्षित वर्ग था, जो चीज़ों को समझता था, उसमें क्या हुआ, स्वदेश धर्म की रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। मतलब वो परेशान होने लगा कि अब अपने धर्म की रक्षा भी हमें करनी चाहिए, वो हम कैसे करेंगे। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को ही लेकर अपना खंडन मंडन करते चले आ रहे थे।
मैं बात थोड़ा सा विषय से अलग हो जाएगी, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ज्यादातर क्या होता है, जब भी हम दैनिक जीवन में भी कई चीज़ों का खंडन मंडन करने, हम लोगों की बहुत ज़्यादा आदत है खंडन मंडन करने की। बहुत सी चीज़ों को हम बहुत आराम से नकार देते हैं, उसके खंडन मंडन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन खंडन मंडन आप तभी किसी विषय का करें जब आपको विषय की पूर्ण जानकारी। अधूरे ज्ञान पे खंडन मंडन वास्तविकता को खत्म कर देता है। आप सभी से प्रार्थना है कि राजनीति हो, विषय हो, कोई भी जगह हो, यदि आप आप किसी की बात का खंडन कर रहे हैं या हमारी परंपराएं ही हूँ, तो पहले उसकी जड़ तक, उसके कारण तक, या उसको पूर्ण पूर्ण रूप से समझिए, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और ऊपरी बातों को लेकर सिर्फ उनका खंडन मंडन करते रहते हैं, जो ज़्यादातर गलत होता है। हिंदुओं के जो शिक्षित वर्ग था, जो चीज़ों को बारीकी से जानता था, वो समझ रहा था कि किस तरह इस तरह का खंडन मंडन गलत है और ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। बाहरी बातों को, स्थूल बातों को लेकर खंडन मंडन करते चले आ रहे थे। अब जैसे हम लोगों के यहाँ, थोड़ा सा समय आपका ले रही हूँ मैं, कहा जाता है कि ये हिंदू लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, अंधभक्त होते हैं, लेकिन सत्य ये है कि विश्व को, इस पूरे भूमंडल को, इस धरती को, यदि अपने अस्तित्व को बचाना है तो वही चीज़ों में पुनः लौटना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि हम वृक्षों की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। अब देखिए, उस समय की जनता को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती थी कि ऑक्सीजन मिलता है, कि क्या होता है, कि क्या, तो एक सीधी सी, भोली भाली जनता को समझाने के लिए एक सीधी सी बात कही गई, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसमें देवताओं का वास होता है। तो क्या जो हमें जीवन दे रहा है, जो प्राणवायु हमें मिल रही है, वो हमारे लिए देवता नहीं? देवता है क्या, वास्तविकता क्या है देवताओं की? हमारे यहाँ वरुण को देवता माना जाता है, तो वो प्राप्त तो हमें वहीं से हो रहा है। और मैंने कई सारे पढ़े लिखों को सुना है इन चीज़ों का विरोध करते, हंसी उड़ाते, तो लौट के फिर वहीं आना है। तो जब तक हम किसी चीज़ को सूक्ष्मता समझ ना लें, तब तक उसके खंडन मंडन के लिए हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। माफ़ी चाहूँगी, विषय के बीच में आपका थोड़ा सा समय ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर बंगाल के राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए, है ना, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें आपके सामने। यदि गलत तरीके से ले आते हैं, जब तक हम खुद ना पढ़ें और हम खुद विश्लेषण ना करें, तब तक हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, हम अपने धर्म की नहीं बात कर रहे हैं, हम दुनिया में हर चीज़ की बात कर रहे हैं। किसी को गलत कहने का हमें अधिकार नहीं है। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। देखिए, जब समय आगे बढ़ता है तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ आती हैं, चीज़ कितनी भी विशुद्ध हो, हम उसके मूल में नहीं जाते हैं। बाद में उसकी में जो कुछ समस्याएं आ गई हैं, उनको लेके चीज़ का विरोध करना कहाँ तक उचित है, उन चीज़ों को दूर करना चाहिए। और देखिए, उनको शामिल करने वाले भी हम ही आप हैं, शामिल करने वाला भी हमारा ही समाज है और अगली पीढ़ी। किसी ने कुछ विशुद्ध शुरू किया, कहीं से कुछ विशुद्ध शुरू हुआ, वो चलते चलते जब लोगों को समस्याएँ होने लगती हैं तो अशुद्ध कर देते हैं उसको, और फिर उसकी अगली पीढ़ी पूरी चीज़ का विरोध शुरू कर देती है। किसी की भी मैं बात करी हूँ, एक्स वाई जेड, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, जो गलत है उसको दूर करना चाहिए। हमें विवेक से काम लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि वास्तव में गलत और सही है क्या। अतः राजा राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। संवत्सर 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया, क्योंकि हमारे यहाँ जो वेद पुराण उपनिषद थे सारे ही संस्कृत में थे, और संस्कृत में थे आम जनता की समझ से बहुत दूर थे। हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि
तथ्यों को जनता के सामने रखा जाए। जो उस कर्मकांडी पंडित लोग होते थे वो उस चीज को और टिपिकल बनाते चले गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया। समत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। राजा साहब की भाषा में एक आधा जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका अधिकांश रूप वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। देखिए अब इनका नमूना आप देख लें, जो सब ब्राह्मण संघ वेद अध्ययन नहीं करते वो सब व्रात हैं। वह यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्म परायण श्री सुब्रमण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पढ़ाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है। वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने सकता नहीं, ठीक है। वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने सकता नहीं है। देखिए स्वर्ग और मोक्ष की ये भी बात कर रहे हैं, वास्तविकता में मोक्ष तो हम सब पाना चाहते हैं, कहीं किसी चीज़ से। लेकिन इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अभ्यास की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो हमें इसके खंडन मंडन में भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। कई नगरों में जिसमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए थे। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला पत्र भी निकलने लगे थे, जिसके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, समत 1883 में उद्दंड मातंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला। संवाद पत्र आप समझ रहे हैं, समाचार पत्र की बात की जा रही है, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, जैसा कि उनके इस लेख से प्रकट होता है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपको, जो इस तरह की किताबें निकलती हैं उसमें फैक्ट रूप में दिया जाता है। शुक्ल जी की भी किताब में ये दिया हुआ है ना। चलिए हम उद्दंड मातंड की भाषा भी देख लेते हैं। यह उद्दंड मातंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु, जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजों और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उनका सुख और उनकी बोलियों को जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ाओ समझ लेओ और पराई अपेक्षा ना करें और अपने भाषे की उपज ना छोड़ें। इसलिए श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाएगी। एक प्रकार से ये नया ठाटा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज को लेने की इच्छा करें तो अमड़ा तला की गली 37 अंक मातंड छापा घर में अपना नाम और ठिकाना भेजते ही उसे सतवारे के सतवारे यहाँ रहने वाले घर बैठे और बाहर के रहने वाले डाक पर कागज पाया करेंगे, ठीक है। भाषा देखिए, यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। भारतीय सब नहीं समझ रहे थे, महत्व नहीं समझ रहे थे, है ना। किसी तरह की सहायता नहीं मिली तो बंद करना पड़ा। इसमें खड़ी बोली और मध्य देशी भाषा के नाम का उल्लेख किया गया है। भाषा के स्वरूप को दिखाने के लिए कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं। आप देखिए भाषा के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखिए। अक्सर जब आप किताब पढ़ते होंगे तो इस स्वरूप को आप बिल्कुल छोड़ते चले जाते होंगे, और यही समझने की चीज़ है। शुक्ल जी के किताब से प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं कि आप फैक्ट ना याद करें, साथ में चीज़ों को समझें भी। आप समझिए कि आपसे चाहा क्या जा रहा है। भाई अब हम लोग एक बहुत उच्च स्तर पे हैं, आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपसे चाहत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको कहें भाषा टफ है तो ये समझिए, अब आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कौन पढ़ पाएगा। आप लोग उच्च स्थान पर जा रहे हैं धीरे धीरे,
ये समझिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे तो लोगों को नीचे पढ़ाया कैसे जाएगा, इसलिए इसमें मन लगना और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक यसी वकील वकालत का काम करते हुए करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को ये काम सौंप के आप सूचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया और प्रसन्न होकर बोला, हे महाराज, आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मुकदमा हमें सौंपा था, सो आज फैसला हुआ, है ना। ये सुनकर वकील पछता करके बोला, तुमने सत्यानाश किया। उस मुकदमे से हमारे बाप बड़े थे, इस पीछे हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठाकर दे गए और हमने भी उसको बना रखा और अब तक भली भांति अपना दिन काटा, और वही मुकदमा तुमको सौंप कर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते परोतों को पालोगे, पर तुम थोड़े ही दिनों में उसे खो बैठे। कितनी बड़ी बात कही है, आज भी यही चल रहा है हमारे समाज में, है ना। जनसंख्या बढ़ रही, जरूरतें बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन कम कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं था कि था कभी नहीं। और एक बात बता दूं, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती है। हम लोग अगर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो कहीं नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर अपने से इच्छा नहीं जागृत होगी। जिस तरह से पढ़ाई बिना अपनी इच्छा के कोई नहीं करा सकता, उसी तरह से आपको सदाचार भी आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं सिखा सकता। और जब आपके अंदर सदाचार आएगा नहीं तो भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। सरकार दबिश डाले, हम हमेशा कहते हैं, मैं किसी की भी फेवर नहीं कर रही हूँ, एक्स वाई जेड सारी सरकारों की बात कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा हुआ, उसमें ज़्यादा हुआ। अरे भैया, किया किसने? किसी भी सरकार ने तो नहीं किया ना, आम ने कराया, खास ने किया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जिम्मेदार थोड़े बहुत हम लोग भी होते ही होते हैं उसके लिए, लेकिन हम लोगों की कई बार मजबूरी भी पड़ जाती। चल रहा है, नदी बह रही है, तो विरोध कहाँ तक करें। लेकिन जब तक किसी गलत चीज़ का विरोध नहीं होता, तब तक उसका रुकना असंभव है। इसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर को अवध बिहारी बादशाह के आमने की तोपें छूटी। उस दिन तीसरे प्रहर पटालग साहिब और हेल साहिब और मेजर फिडल लार्ड साहिब की ओर से अवध बिहारी की छावनी में जाकर के बड़े साहिब का सलाम कहा और भोर होके लार्ड साहिब के साथ हाजिरी करने का नियमता किया। फिर अवध बिहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हो गवर्नर जनरल बहादुर के सन्निध गए। रीतिकाल समाप्त होते होते अंग्रेजी राज देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। मैं ये जानती हूँ कि उस समय भ्रष्टाचार ना होता, उस समय समस्याएं ना होती, उस समय आपसी फूट ना होती, तो देश गुलाम ना होता, और आज भी हम नहीं सुधरे। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। संवत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था, पर उस समय उस पर कुछ ना हुआ। पीछे राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ निकलने और सरकारी नौकरी पाने लगे। बस यही वो क्षण था जो आज हमें पीछे कर रहा है। आज भी हम जो भी हम आप हिंदी पढ़ रहे हो, कभी दिल से सोचिएगा, हम हिंदी पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे पढ़ने का कारण क्या है, हम हताश हो क्यों रहे हैं, हम पीछे जा क्यों रहे हैं। क्योंकि हमारे हिंदी पढ़ने का कारण कहीं ना कहीं हमारा अपना स्वार्थ है कि इसमें वैकेंसी अच्छी निकलती है, कि इसको पढ़ने में आसानी होती है, कि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, देखिए स्वार्थ दुनिया में हर चीज़ से होता है, है ना। माँ भी जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, अगर कहें तो वो भी तो माँ के पास में अपनी सुरक्षा, प्यार और हर चीज़ के लिए होता है। तो पाना किसी से बुरा नहीं है, लेकिन
प्यार तो कर सकते हैं ना हम अपनी मातृभाषा से, हम हिंदी से प्यार कर सकते हैं तथ्यों के रटने की जगह। बस वही प्यार हिंदी हमसे मांग रही है, हमें कभी कुछ बुरा नहीं लगेगा, कभी कुछ बुरा नहीं मिलेगा। मैं इतना भारी विषय लेकर इसीलिए चली, सारे जितने परीक्षार्थी हैं सिर्फ तथ्यों को रटने में लगे रहते हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा, जिससे हम सब कुछ चाहते हैं उसको थोड़ा प्यार तो देना पड़ेगा। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा, चलिए आज के वीडियो में देखिए आप लोगों के क्या क्या कमेंट्स आते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देसी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, ये विचार उस समय के लोगों को ना था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार की थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया, पर मेकाले ने इंग्लिश भाषा की शिक्षा पर इतने जोरों के साथ समर्थन किया कि पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी अपेक्षा प्रकट की कि अंत में 1892 में, समझ रहे हैं, संवत 1892, 7 मार्च सन 1835 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रस्ताव को पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल खुलने लगे। मैं विरोध अंग्रेजी का भी नहीं करती हूँ, मैंने पहला जो MA किया था वो अंग्रेजी से भाषा को ही लेकर किया था, है ना। भाषा कोई बुरी नहीं है, लेकिन हम पहले अपनी माँ से प्यार करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्यवाहियाँ और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने दफ्तरों में भी वही परंपरा जारी रखी। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से ये आज्ञा निकाली गई। चलिए आज्ञा पढ़े सरकार की। किसी को इस बात का उजूर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लिखा हुआ हुक्म सबसे वाकिफ नहीं है। हरी की एक जिले के कलेक्टर साहेब को लाजमी है कि इन आइन के पावने पर एक केता इस्ताहार नामा नीचे की तरह से फारसी व नागरी भाषा के अक्षरों में लिखाया कि कचहरी में लटका वहीं। अदालत के जज साहेब लोग के कचहरी में तमाम आदमी को बूझने वास्ते लटका वहीं। ये कब निकाला था? ये अंग्रेजों ने निकाला था। अंग्रेजी सन 1803 साल 31 आइन दफा 20 दफा। फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाइयां होती थीं, उसका अनुभव आधिकारिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 यानी सन 1836 में इस्तहार नामे निकाले कि अदालती के सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इस्तहार नामा हिंदी में निकलता था उसकी नकल नीचे दी जाती है। इस्तहार नामा सदर बोर्ड। अब ये देखिए, उस समय अंग्रेजों ने हुक्म दे दिया था, और नहीं तो अगर हमारे लोग यहाँ के लोगों का बस चलता तो इसी में विवाद बना रहता, वो कभी एकमत ना हो पाती। आज भी हिंदी के लिए विवाद है देश में। अंग्रेजी को, बाहरी चीज़ को हमने बड़े प्यार से अपनाया, लेकिन हिंदी को सब लोग नहीं अपना सकते। समस्याएं आ जाती हैं कि हम सीखेंगे कैसे, हमारी मातृभाषा नहीं है, हमें समस्या होगी। चलिए, पछाह के सदर बोर्ड के साहिबों ने ये ध्यान दिया कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पड़ा होने से सब लोगों का बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार के सामने दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, उसको सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि 1244 की कुंवारबदी
प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिंदी को बोली में और फारसी के नागरी अक्षरन में लिखे दाखिल करें कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में और हिंदी की बोली में ओपर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 जुलाई सन 1836। समझते चलिए हिंदी कितनी कठिनाइयों से खड़ी हुई है, हमें भी अपने जीवन में उन्हीं कठिनाइयों का सामना करके सफलता हासिल करनी है। इस इस्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया था कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि यह उचित व्यवस्था चलने ना पाई, मैं कह रही थी ना। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी ना रहने पाए उर्दू चलाई जाए, उनका चक्र बराबर चलता रहा। यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात 1894 में सन 1836 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। हिंदी ने भी हम आप ये मत समझिएगा कि आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हैं, हिंदी ने भी बहुत समस्याएं देखी। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने वाली की पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देशभाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी, उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि दरबारों के आश्रय में चलती थी पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नव शिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य पर बनी हुई थी वो सिर्फ धर्म भाव से थी, है ना। सिर्फ धार्मिक लोग या धर्म पढ़ने के लिए या धर्म की भावना रखने वालों ले ही अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए थे। क्यों? तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदास जी के भजन आदि उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा में भी बनाए हुए थे। अब आप समझिए कि सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने भले अवधि और ब्रज भाषा में लिखा था लेकिन इन्होंने अब हमारी हिंदी के अस्तित्व बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नव शिक्षित लोगों का मन अधिकांश काल चक्र के प्रभाव से भूमिक हो रहा था। आज भी यही हो रहा है, प्रतिद्वंदी भाषाएं बदल गई हैं लेकिन विरोध बिचारी हिंदी आज भी झेल रही है। श्रृंगार रस की भाषा कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बापू बाल मुकुंद जी लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती। संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में नहीं रह गए पर विद्याभ्यासी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था, अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। पर अखबार पढ़ने वाले पहल नव शिक्षकों में मिल सकते थे जिनके पढ़ने लिखने की भाषा उर्दू हो ही रही थी, अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे। ये पत्र बहुत ही घटिया कागज पर कागज लीथो पर छपता था। यद्यपि गहरी उर्दू होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा परमेश्वर दया कुछ ऐसे शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लगता है। इन अंशों को देखिए समझिए। जो यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहेब बहादुर के एहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है।
देखकर लोग उस पाठशाले के किते के मकानों की खूबियां अक्सर बयान करते हैं। अब देख लीजिएगा इसमें हिंदी के शब्द भी। खैर अगर वो ये प्रयत्न ना करते तो हिंदी तो बिल्कुल ही डूब जाती ना। और उनके बनाने का खर्च की तजबीत करते हैं, जमा से ज़्यादा लगा हो और हर तरह का लायक शरीफ के हैं। सो यह सब दानाई साहेब ममहूद की है। ठीक है, इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे। अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तोताराम मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संबद्ध 1907 में निकला। कहते हैं कि काशी की प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था, जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकी ने अच्छा ये पत्र दिया था, ठीक उसी समय के भीतर उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की भी खबर पहुंच गई। वाह क्या बात है, नई बात पता चली ना। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुथरी हुई थी तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं इसी समय के लगभग अर्थात संवत 1919 में आगरे के मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चला। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए, आज अच्छा लग रहा है पढ़ने में? कमेंट में बताइएगा आज की क्लास के बारे में। अगर बुरा लगा हो, हमने आपका समय खाया हो, तो भी बताइएगा। कलकत्ते का समाचार, इस पश्चिमी देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने का उपाय करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रखें, वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और हरी बोल कहकर उसका जीव लेते हैं। स्त्रियों के शिक्षा के विषय में, स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीति ये सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए हैं, केवल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी तो स्त्रियां अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों का को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। ये काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से बचावें और सरल सरल विद्या उन्हें सिखाएं। ठीक है, हाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाए जाने पर विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी थी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही। पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान देसी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे थे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान ना मिले, उनकी पढ़ाई का भी प्रबंध ना होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार ये विचार करने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से इसका गहरा विरोध खड़ा किया गया। अब ये समझिए, ये प्रभावशाली मुसलमान भी पढ़े और लिखे होते होंगे, लेकिन वो अपने लिए एक थे। हर एक की विशेषताएं भी देखनी चाहिए। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और संवत 1905 में ये सूचना निकली। देखिए कहाँ कहाँ हिंदी ने झटके सहे। ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थियों जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बड़ी अच्छी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हिंदी के विरोध की ये चेष्टा बराबर बढ़ती गई और संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा पक्का प्रबंध होने लगा,
तब यहाँ तक कोशिशें की गई कि वर्नाकुलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ना होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। वो हिंदी को गंवारी बोली बताकर सर सैयद अहमद अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद सिंह अंग्रेजी के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद, अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा। वे बराबर इस संबंध में प्रयत्नशील रहे। इससे हिंदी उर्दू का झगड़ा 200 वर्ष तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। अब ये देखिए, राजा सदा से प्रसाद जी अगर खड़े ना होते तो ये सैयद अहमद खान अपनी उसमें कामयाब हो गए होते और हम लोग आज अपनी हिंदी ना पढ़ पा रहे। समझ रहे हैं आप? गरसदा दासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस से हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। अब पेरिस में उर्दू के अध्यापक थे तो उन्हें काय को हिंदी अच्छी लगेगी। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ कवियों का भी उल्लेख था। संवत 1919 में यानी सन 5 दिसंबर सन 1852 में अपने आख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार किया। बहुत विरोध झेला है। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी हुई है जिस तरह फारसी के साथ थी। ये बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से ही एक हिंदी सेक्रेटरी और हिंदी नवीस कहलाता था, उसे एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीस कहते थे रखा करते थे, जिनसे उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाए। इस प्रकार अंग्रेज सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्रायः सरकारी कानूनों को नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद का भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, लगभग 40 मिनट का हो गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको बातें अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आगे से ध्यान रखूँ। ठीक है, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। हिंदी को प्रेम से पढ़िए, चीज़ों को अब यहाँ से समझना शुरू करिए। देखिए, रीतिकाल में मुझे नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला है। रीतिकाल के बाद के वीडियो मुझे खुद बनाने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचिकर नहीं लग रहे थे, पर यहाँ से मुझे भी हिंदी से क्योंकि प्रेम है तो रुचि है मुझे। आप भी इसको जानने की कोशिश करिए, है ना, कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कैसा लगा है बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।